देखिए आज हम बूलियन अलजेब्रा की सेकंड वीडियो करेंगे। आई होप कि आपने जो फर्स्ट वीडियो है वो अच्छे से देख ली होगी, क्योंकि जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तभी आपको सेकंड वीडियो ये समझ में आएगी। आगे के टॉपिक आपको फर्स्ट वीडियो के बिना समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी सजेशन यही है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आप सेकेंड वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ पहले सेकेंड को मत देखना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बूलियन अलजेब्रा किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन की थी, और प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमने बताया था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये किया था। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है बूलियन अलजेब्रा की। एग्ज़ाम में सिंपल आएगा कि स्टेट एंड प्रूव दिस लॉ, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट भी खुद ही याद रखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अब कौन सा लॉ करवाऊँगी आपको, आइडम्पोटेंट लॉ। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ बी प्लस डॉट डैश ज़ीरो और वन, बी ए बूलियन अलजेब्रा। अगर हमारे पास कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा गिवन है ये वाला, और उसके पास एक एलिमेंट है फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए बी, बी का हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया क्या ए, उसके लिए ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये सेटिस्फाई होंगी, इसको हम आइडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। ए प्लस ए इज इक्वल टू ए और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही प्रूव करना है। आपने वो पिछले वाला मैथ नहीं पढ़ना कि हमने तो ये पढ़ा है कि ए प्लस ए तो टू ए होता है और ए डॉट ए ए स्क्वेयर होता है, उसको भूल जाइए, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में प्लस और डॉट अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए प्लस ए क्या होता है, हमारे पास ए डॉट होता है, ए होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट का प्रूफ करेंगे। प्रूफ फर्स्ट, हमने क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या ए प्लस ए, इसको हम क्या दिखा देंगे, ए के इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। अब हमें वो पिछली जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखी है वो सारी याद होनी चाहिए, तभी हम आगे आगे कोई भी लॉ प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ए प्लस ए को हमने कैसे लिखना है, ए प्लस ए डॉट वन। देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्टिंग पॉइंट जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपके पूरे जो थ्योरम है, जो लॉ है, वो पूरा प्रूफ हो जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बीच में प्लस है तो हमने डॉट की आइडेंटिटी लगानी है, अगर डॉट है बीच में तो प्लस की आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, डॉट की। और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बूलियन अलजेब्रा में या फिर पूरे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप कोई भी लाइन लिखोगे तो ब्रैकेट में उसका रीज़न आपको पक्का लिखना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, इसके साइड में क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग आइडेंटिटी। हमने किसका यूज़ किया है, आइडेंटिटी का। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी आइडेंटिटी के लिए कि हम ए प्लस ए डैश को क्या लिख देते हैं, वन। हमने पढ़ा था कि ए प्लस ए डैश क्या होता है हमारे पास, वन, और ए डॉट ए डैश क्या होता है, ज़ीरो। ये कॉम्प्लीमेंट के लिए था ना, तो हम यहाँ पर वही यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, वन, तो हम वन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डैश, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये कौन सा था हमारा, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ था, तो हम लिख देंगे बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरा लिख देना कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या था, अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो हम उसको कैसे लिखते थे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। और इसी तरह एक दूसरा भी था, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट बी ए प्लस सी, ये था। तो आप ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम ना रिवर्स भी लगा सकते हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो पीछे वालों का क्या कर देंगे हम, देखो बी डॉट सी, जो ये बीच में ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, बी डॉट सी
और जो प्लस है वो बाहर करके ए के साथ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, जो सेम एलिमेंट है ए ए, इसको हम बाहर ले लेंगे और बी और सी के बीच में ये वाला ऑपरेशन आएगा प्लस वाला, और साथ में बाहर क्या आ जाएगा, डॉट वाला। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये कौन से वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये वाला लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट इधर भी ए है और इधर भी ए है, और यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर ए डैश। तो हमने क्या पढ़ाया, अगर रिवर्स करेंगे तो ए और ए डैश के बीच में डॉट आ जाएगा और बाहर ए आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए प्लस ए डॉट ए डैश बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ए डॉट ए डैश क्या होता है, ज़ीरो। तो हम यहाँ पर वही लगा देंगे, ए प्लस ज़ीरो हो जाएगा, लिख देंगे बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ठीक है। और ये हमें पता है कि ए प्लस ज़ीरो करने पर ए होता है, ये किससे आया, आइडेंटिटी से, हमें पता है ना। अगर वन के साथ डॉट करेंगे तो वही रहता है एलिमेंट, और ज़ीरो ऐड करेंगे तो भी वही रहता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगा दिया हमने, तो यहाँ से यही आ गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेके चले थे, ए प्लस ए और इज इक्वल टू में क्या आ गया, ए। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। आपको हर एक लाइन के साइड में उसका रीज़न ज़रूर लिखना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं हम, सेकेंड पार्ट भी एज इट इज़ है, ए डॉट ए लेके चलेंगे और हमें ए दिखाना है। जैसे कि हमने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में किया, मैंने बताया था कि अगर बीच में प्लस है तो हमने डॉट वाली आइडेंटिटी लगानी है, रिवर्स वाली। यहाँ पर बीच में डॉट है तो हम प्लस की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसका मतलब ए डॉट ए प्लस ज़ीरो, ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। फिर अब देखिए ए डॉट ए लिख देंगे एज इट इज़ प्लस, यहाँ पर ज़ीरो का मान क्या था, ए डॉट ए डैश, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए डॉट ए डैश बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ लगा दिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद अब यहाँ पर फिर से हम कौन सा लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब की बार ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला लगेगा। देखिए ए डॉट ए, यहाँ पर ए डॉट बी है, और ए डॉट ए डैश, यहाँ पर ए डॉट सी है। तो यहाँ पर बी की जगह ए आ जाएगा और सी की जगह ए डैश, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो हम ये वाला रूल लगा देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डैश बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि a प्लस ए डैश क्या होता है, वन। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन, लिख देंगे a डॉट वन बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, फिर उसके बाद a डॉट वन करने पर a हो जाएगा, तो a बाय यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। तो हमारे यहाँ से वापिस से क्या आ गया, ए डॉट ए बी किसके इक्वल आ गया, ए के। तो हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो गए, यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम, बाउंडेडनेस लॉ। देखिए बाउंडेडनेस लॉ क्या कहता है हमें, अगर हमारे पास कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा गिवन है और उसका कोई भी एलिमेंट ले ले हम ए, ठीक है, उसका हमने एक एलिमेंट कौन सा लिया, ए एलिमेंट लिया है, उसके लिए ये जो दो पार्ट लिखे हुए हैं ये प्रूव होने चाहिए, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन और ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। प्रूव करते हैं हम, प्रूफ फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है आपको हमेशा, ए प्लस वन ये लेके चलेंगे हम, ए प्लस वन। और मैंने अभी अभी पीछे भी बताया था, जब हमने अभी आइडम्पोटेंट लॉ किया है, कि अगर बीच में प्लस है तो हमें डॉट की आइडेंटिटी लगानी है। इधर भी देखो ए प्लस वन है तो हम क्या करेंगे, डॉट की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस वन और पूरे के साथ में डॉट वन, ठीक है, आइडेंटिटी, डॉट की आइडेंटिटी यूज़ कर ली हमने। अब उसके बाद वन
वन, जैसे अभी अभी हमने पीछे यूज़ किया था कि जो a प्लस ए डैश है वो वन के इक्वल होता है और a डॉट ए डैश है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वन की जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस ए डैश लिख देंगे, a प्लस वन डॉट a प्लस ए डैश बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लो। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा देंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेम है a, a, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a और फिर प्लस वन डॉट a डैश। यहाँ पर हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। उसके बाद हमें पता है कि वन की किसी के साथ भी डॉट कर लो वही एलिमेंट आएगा, तो a प्लस a डैश हो जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। किसका यूज़ किया हमने, आइडेंटिटी का। उसके बाद a प्लस a डैश क्या होता है हमारे पास, वन, तो वन, और ये किसका यूज़ किया हमने, बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमने लिया था a प्लस वन वो किसके इक्वल होता है, वन की। यहाँ पर फॉर ऑल के लिए है, इसका मतलब अगर हमारे पास b का कोई भी एलिमेंट हमें कहीं पर भी दिखा मिलेगा जिसके साथ प्लस में वन होगा तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, वन। याद रखना अगर कभी भी कोई एलिमेंट b दे दिया, सपोज़ करो b प्लस वन है तो हम उसको वन लिख देंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो उसके प्लस में अगर वन है तो इज इक्वल टू में वन आंसर आएगा। ठीक, सेकेंड पार्ट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, क्या है हमारे पास a डॉट ज़ीरो। अब हमें खुद ही पता है कि अगर बीच में डॉट है तो हमें प्लस की आइडेंटिटी लगानी है, इसका मतलब a डॉट ज़ीरो और प्लस ज़ीरो आइडेंटिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब हमें पता है ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, a डॉट ज़ीरो प्लस a डॉट a डैश, ये हमने कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ का यूज़ किया है, ब्रैकेट में लिख देना, कंप्लीट लिखना आपको कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, उसके बाद अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था, इधर फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो हमारे क्या बन जाएगा, ए डॉट ज़ीरो प्लस ए डैश बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट में ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा, वही एलिमेंट आ जाता है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, a डॉट a डैश बाई यूजिंग आइडेंटिटी। हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी का। ठीक है, उसके बाद देखिए अब a डॉट a डैश है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ज़ीरो, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ज़ीरो बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, a डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो हमारा ये लॉ भी प्रूव हो गया, बाउंडेडनेस लॉ था ये। उसके बाद अब हम करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई भी एक बूलियन अलजेब्रा है और उसके पास कोई भी एलिमेंट है, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, a और b ले लिया हमने, वो इनको सेटिस्फाई करेंगे, हमारे पास जो a प्लस a डॉट b है वो a के इक्वल होगा और जो a डॉट a प्लस b है ये भी a के इक्वल होगा। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पर डॉट, अगर यहाँ पर डॉट और यहाँ पर प्लस तो a एलिमेंट आएगा। यहाँ पर हमें माइंड में क्या बनाना है कि इधर जो फर्स्ट एलिमेंट है वही एलिमेंट इधर होगा तो आंसर में वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, पीछे वाला चेंज हो सकता है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है तो आंसर में a आएगा, बीच में चाहे प्लस हो चाहे डॉट हो। देखिए यहाँ पर प्लस फिर डॉट और यहाँ पर डॉट फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में यहाँ पर भी a है और इधर भी a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, तो करते हैं हम इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम, क्या है हमारे पास a प्लस a डॉट b। ठीक है, अब हमें खुद ही स्टार्टिंग पॉइंट खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम क्या लगाएं इधर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि इधर भी a है और इधर भी a है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी लगता है जब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट इक्वल हो,
उसका दो टर्म्स होती हैं, फर्स्ट वाली का भी और सेकंड वाली का भी, अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब हम इस a को ऐसे लिख सकते हैं a डॉट वन प्लस a डॉट बी। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर भी देखो डॉट का ऑपरेशन है, तो इधर भी हमने डॉट वाला ऑपरेशन लगा दिया और डॉट में वन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख देंगे, a डॉट वन। अब क्योंकि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बीच में प्लस है और ये वाले एलिमेंट अलग अलग है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इधर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने ब्रैकेट में क्या लिखना है, आइडेंटिटी। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी का यूज़ किया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे a, और फिर बीच में क्या आ जाएगा डॉट और फिर वन प्लस बी, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अभी अभी हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, हमारा बाउंडेडनेस लॉ पढ़ा था। बाउंडेडनेस लॉ अभी अभी क्या कहता था, कोई भी एलिमेंट है अगर उसमें वन ऐड करेंगे तो आंसर वन आएगा। इधर देखिए बी प्लस वन है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, वन, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे a डॉट वन, और ब्रैकेट में लिखना है बाय बाउंडेडनेस लॉ। बाउंडेडनेस लॉ से क्या होता है, वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, ठीक है। फिर उसके बाद a डॉट वन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और हमें यही प्रूव करना था कि जो a प्लस a डॉट बी है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, a ही आनी चाहिए। हो गया प्रूफ। सेकंड पार्ट, सेकंड भी ऐसी ही है, a डॉट a प्लस बी। देखिए इधर ध्यान से, जैसे हमने इधर हमने डॉट की आइडेंटिटी लगाई है, तो इधर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, प्लस की, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है, तो इधर भी अगर a के साथ प्लस में कोई एलिमेंट होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a प्लस जीरो फिर डॉट a प्लस बी, ब्रैकेट में लिख देंगे आइडेंटिटी। हमने किसका यूज़ किया, आइडेंटिटी का यूज़ किया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे इधर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते ही a और साथ में हो जाएगा प्लस फिर जीरो डॉट b बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर लिया। अभी अभी हमने बाउंडेडनेस लॉ दोनों के लिए पढ़ा था, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। अगर b प्लस वन है तो वन हो जाता है, अगर कोई भी एलिमेंट उसके साथ में डॉट में ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आ रहा था, तो हम वही लगाएंगे a प्लस ज़ीरो बाय बाउंडेडनेस लॉ। लिखना है आपको साइड में a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। जब तक आप साइड में नहीं लिखोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने अच्छे से लिख लेना, साइड में रीज़न ज़रूर लिखने हैं आपको कि हम कौन सा लॉ लगा रहे हैं या फिर कौन सा स्टेप हम कैसे कर रहे हैं, आपको सब कुछ लिखना है। फिर a प्लस ज़ीरो है, a प्लस ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, a बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारे यहाँ से भी प्रूव हो गया, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। अब हमारे यहाँ से तीन लॉ हो गए। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा CRSU का क्वेश्चन पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब तक हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक, देखिए ये रहा आपका 2017 में एक क्वेश्चन है, फिफ्थ का बी पार्ट है, व्हाट इज़ बुलियन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज़ ड्यूअल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। ये हमारा फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन मैंने करवा दिया है कि हमारा जो बुलियन अलजेब्रा है वो क्या होता है, ड्यूअल क्या होता है। ड्यूअलिटी का मतलब वही है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से कैसे बन के आता है, जो प्लस है उसको तो डॉट में कन्वर्ट कर देंगे और जो डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और ज़ीरो को वन में और वन को ज़ीरो में, यह हमारा क्या बन जाता है, ड्यूअल। ठीक है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बुलियन अलजेब्रा, कॉम्प्लीमेंट भी पूछा गया है, तो हमने ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे सारे। ठीक है, ये देखिए 2018 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, सिक्स्थ का ए पार्ट है, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा बी। हमारे पास बी एक बुलियन अलजेब्रा है और उसका कोई भी एक एलिमेंट ए गिवन है, देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ यूनिक। हमें क्या प्रूव करना है कि कोई भी एलिमेंट हमने जो ए लिया है उसका कॉम्प्लीमेंट यूनिक आएगा, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया। उसके बाद जो ये दो पार्ट हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, आप अभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट
और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होगा और वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब जब हम तीन वीडियो पढ़ लेंगे तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आप ध्यान से देखिए कि इतना अच्छे से हो रहा है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कि अगर हम मिनिमम 10 वीडियो भी कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तीन वीडियो में ही आपके एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, आपको ही बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।